वेलकम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत और फ्रेश सी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ। आपको पता है कि जैसे 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 उम्र बढ़ती है और मैं मैच्योर होती गई, तो मुझे लोगों के बीच में फर्क, उनके बीच में कंपैरिजन करना आता गया। पहले मैं समझती थी सब लोग एक जैसे होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत से अलग अलग नेचर के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग बहुत चलाक हैं, कुछ लोग बहुत सीधे हैं, कुछ लोग बहुत चक्की हैं, कुछ लोग बहुत मीछड़े हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ लोग बहुत केयरलेस हैं, कुछ लोग बहुत कंजूस हैं, कुछ लोग बहुत बुलक्कड़ हैं और कुछ लोग बहुत पेटू हैं। आप लोग मेरे मियाँ की तरफ इशारा नहीं करें। कुछ लोग बहुत इमोशनल हैं, वैसे उन लोगों में मैं भी आती हूँ, और कुछ लोग बहुत नकचड़े हैं, कुछ लोग बहुत रहम दिल हैं, और अपनी कुछ लोग बहुत बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपनी दुनिया में मगन। अरे भाई, किसी का कोई नुकसान हो रहा है, होने दो, हमारी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत बेवकूफ, इर्द गिर्द के जो मेरे लोग हैं, कुछ उनमें से कुछ लोग बहुत बेवकूफ हैं और वो समझते हैं कि वो डेढ़ होशियार हैं, उनसे ज्यादा जहीन कोई है नहीं। आपको तब चढ़ रही होती है उनको देखकर, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं अपने साथ ये लोग, आपको तब चढ़ रही होती, लेकिन उनको लग रहा था मन हमने बड़ी चलाकी दिखाई, एक्चुअली वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। तो आपके इर्द गिर्द अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इन सब बातों का एक निचोड़ है कि आप फरिश्तों के साथ नहीं रहते, आप इंसानों के साथ रहते हैं, और चाहे वो आपकी बहन भाई हों, आपकी माँ बाप हों, आपके बच्चे हों, ससुराल वाले हों, मियाँ हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, आप उनमें उनकी बुराइयां नहीं देखते, आप उनको उनके पैकेज के साथ एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी लिस्ट होगी ऐसी जिसमें बुराइयां भी होंगी और साथ ही साथ कंपैरिजन के लिए उनकी अच्छाइयाँ भी होंगी। तो आपको जो भी रिश्ता मिलता है, आपको जो भी आपके करीबी लोग होते हैं, वो आपको पैकेज के साथ मिलते हैं और आपको उसी पैकेज के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप भी पैकेज हैं। अगर मैं ये सोचूं हो मुझ में तो ये खासियत है, मुझ में तो ये खासियत है, मुझ में ये खासियत है, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में ये सोच रही होंगी, लेकिन मुझे खुद पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर मुझ में ये अच्छाई है तो मुझ में ये बुराई भी तो है। अगर मैं उस चीज़ में बहुत आगे हूँ तो मैं किसी चीज़ में पीछे भी तो हूँ। चले आइए, अपने आप से शुरू करती हूँ मैं, कि सब एक एक बुराइयाँ बताते हैं। अपनी बुराई किसी के सामने बताना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी बुराई ये है, वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन एक ये है कि अगर मुझे बड़ा कभी कभी मैं बड़ी फुहड़ हो जाती हूँ, दिल नहीं चाहता कि उठ के कोई काम करूं, घर गंदा पड़ा रहे, सुस्त रहूं, लेकिन कभी कभी, और अगर मासी नहीं हो घर में तो कभी कभी मैं मतलब लाइक झाड़ू पोछे वाली नहीं आई, या बच्चा संभालने वाली नहीं आई, या खाना पकाने वाली नहीं, तो कभी कभी मैं रोने भी लगती हूँ, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी। मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दो, स्क्रिप्ट ना दो, बोलने खड़ी हो जाती हूँ, पर इतना सा काम सोचिए, क्या है, घर का काम है, झाड़ू पोछा लगा लिया, पूरे दिन खाना पका लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन एक सर्टेन एज पे जब मैं इमेच्योर थी, तब मैं रोती थी, मेरी मासी घर छोड़ के भाग जाती थी अगर, तो मैं रो रही होती थी आंसुओं से यार, लिटरली, और मुझे घर नहीं संभलता था। मैं डरती थी कि मासियां घर छोड़ के ना चली जाए, लेकिन एक सर्टेन एज पे जब मुझे सारे काम आ गए, तो मैंने कहा यार मतलब मैं क्यों दबती हूँ उनसे, मुझे दबने की जरूरत नहीं, हाँ अच्छा रवैया रखती हूँ, लेकिन ये होता था पहले तो सर पे चढ़ के, बाजी मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, आपका घर बहुत छोटा है बाजी, मेरा दम घुटता है, हैं अच्छा तो मैं फ्लैट चेंज कर लूँ। खुदा की कसम है, मेरा फरीद पैदा हुआ था उस वक्त मैं भी बहुत छोटी थी ऑब्वियसली, और इतनी अक्ल नहीं थी, कभी घर के काम किए नहीं थे, तो एक मासी मैंने रखी जो बच्चा संभालने के लिए थी, उसने कहा मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है आपके घर में, मुझे सांस नहीं आता, हम छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने कहा अल्लाह, जो बच्चा संभालने वाली है वो कह रही है कि उसका दम घुटता है मेरे घर में यार, तो क्या उसको रखने के लिए मैं बड़ा घर लूँ। तो ये मेरे अंदर बुराई में बहुत परेशान हो जाती थी। चलो बारी शुरू हो गई तुम लोगों की, आओ भाई माइक उठाओ, बताओ तुम्हारे अंदर क्या बुराई है।
मैं जज्बाती एक्चुअली बहुत जल्दी ज्यादा हो जाती हूं ना, करती है गुस्सा और ऐसा गुस्सा अपनों पे ही करती होगी, अपनों पे ही करती है। चीखम चिल्ली बहुत ज्यादा जज्बाती। शादीशुदा हो तो अम्मी के अब्बू कहते होंगे बेटा ससुराल जाओगी तो ये नहीं चलेगा, वो रोज यही कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारा स्टार कह लियो, तुम लियो, तुम्हारा स्टार क्या है? वर्गो। वर्गो, हाँ लियो से करीब करीब है बहन। लियो सारे ऐसे ही होते। अच्छा भाई और बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब कल की बात पे भी मुझे बहुत गुस्सा आया। आपका शो देख रही थी मैं रात को, सबको सूट बांटे जा रहे थे, मैं थी नहीं यहाँ पे। रात को रिपीट होता है, देखो जरा, रात को शो रिपीट होता है, सुबह सबको बंट चुके थे जोड़े। तो मैं तो स्कूल में थी ना उस वक्त, तो मैं आज भी सूट लेने आई हूँ आपसे। अच्छा, मतलब आप क्या रोज मेरे पास या दुकान लगी है क्या? दुकान आई हो? और ओके जी, हाँ और क्या बुराई है? बुराई है कि मैं कुछ भी गलत होते हुए देखती हूँ ना, पहले सोचती हूँ नहीं बोलूँ, लेकिन टोक देती हूँ, मैं जरूर टोकती हूँ, नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा कर लो ऐसा। हालांकि जो है ना, हाँ बिल्कुल चुल होती है मुझे कि नहीं मैं इसको बोल दूँ कि ये गलत हो रहा है। हाँ। आगे बढ़ाइए जी, एक ही बताइए बुराइए, सारी बताने का थोड़ी का है। अस्सलामुअलैकुम। मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, सब गुरूर पीटी कहते हैं मुझे। हाँ, ज्यादातर फजूल में बोलती भी नहीं हूँ किसी। अच्छा, से चुप रहती अपने है। आप में ही मगन कहना। हाँ। वो उसी में ही मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। पता नहीं बाकी लोग जो है ना जो चुप रहते हैं और बोलते नहीं है ना, जो अपने अंदर खोए रहते हैं। जैसे मेरी एक खाला है, मेरी बाकी सारी खाला इतना बोलती है, एक खाला मेरी ऐसी है जो कनाडा में रहती है, उसकी खाला बड़ी अच्छी हसीन खूबसूरत खाला है मेरी, वो तो वो भी चुप रहती थी, उनकी नेचर थी चुप रहना। उनको भी सब समझते थे आसपास के लोग, बड़ी मगरूर है यार अपने आप को, क्योंकि खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह, तो वो बड़ी मगरूर। लेकिन वो उनकी आदत है कम बोलने की, किसी की आदत होती है कि वो कम गो होता है, इतनी ज्यादा बात नहीं करता, हर किसी से बात नहीं, तो लोग उनको समझने लगते मगरूर। ये सही कह रही हैं आप, मुझे सब यही कहते जी। आइए आगे बढ़िए। हाँ भाई, अपनी बुराई बताने से क्यों गरेज कर रहे हो, मैंने बता दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं जी। मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे से जब तक बर्दाश्त होता है मैं फिर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर अच्छी तरीके से सुना देती हूँ। लावा उबलता है उबलता है और उसके बाद लावा फटता है, तो किसी की खैर नहीं होती, जलजला आ जाता है, आतिश पेशाब फट जाता है। आंटी आप की तो मुझे लग रहा है, नहीं नहीं आप बताएं मुझे, आप बताएं, ये छुपा गई, आप छुपा गई, बहुत सासों को डांट बहुओं को डांटती होंगी आप, बता दे क्या हुआ, सब बता रहे आए, गिला गिला कर रहे ना हम, गिला बुराई को गिला गिला कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भावों को तो नहीं डांटती, भावों को बहुत प्यार से रखी हुई मैं अपने। बुराई क्या है? नहीं कोई बुराई भी नहीं है, बता नहीं रही है। नहीं कोई बुराई भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं गुस्सा भी नहीं आता मुझे, मुझे ना गुस्सा भी ज्यादा नहीं आता, मैं बोलती भी ज्यादा। कोई तो चीज बुरी होंगी, कंजूस होंगी, खाना बुरा पकाती होंगी। नहीं नहीं खाना तो मैं बहुत शक्लें बात बनाती होंगी। अच्छा नहीं नहीं कोई होती होगी किसी से, लड़ती भी नहीं है किसी से भी, नहीं कोई बात ही नहीं ऐसी होती है, घर में भी नहीं होती है कोई ऐसी बात। फरिश्ता सिफत इंसान पैदा हो गई तो बहुत सारे। मेरी टीम प्लीज इनके घर कैमरा लेके जाए और इनकी बहुओं से पूछे। हाँ बच्चियों, बच्चियां तो बताएंगी नहीं, फिर रिश्ते नहीं आएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही शादीशुदा खवातीन को माइक दे दो, तुमने छोटी बच्चियों को दे दिया जिनकी कुछ सालों में पढ़ लिख के बाद इंशाल्लाह पढ़ने लिखने के बाद शादी होने वाली है। अरे बेटी अपनी बुराई नहीं बताओ, तुम रहने दो, सही सुधार लोगी, तुम सुधार लोगी। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, देखिये बड़े मजे का आज शो होने वाला है। मैंने ये एक मतलब एक इंसान की बुराई पूछी है, हर इंसान में बुराई होती होगी, मगर कुछ कपल्स अलग अलग तरीके के कपल्स भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और अल्लाह ताला ने कपल्स कुछ ऐसे बनाए कहते हैं ना, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और कपल मेड फॉर ईच अदर जिसके लिए कहा जाता है, तो कपल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ शकी कपल होते हैं, दोनों एक दूसरे पे शक करते रहते हैं मगर प्यार बहुत होता है उनमें, कुछ होते हैं मेड फॉर ईच अदर, जब आप देखेंगे हाथों में हाथ डाले हुए होंगे ना, मतलब तोता मैना, कुछ आप कपल देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऐसी इतनी कमाल की होगी कि आंखों के इशारों से एक दूसरे को बता देंगे कि अब आगे करना क्या है,
बड़े अच्छे से लेकर दीन दुनिया दोनों को लेकर चल रहे होते. कुछ होते हैं लड़ाका, हर वक्त लड़ते रहते हैं. हाय, कभी मामू आ रहे लड़ाई सुलझाने, कभी चाचा आ रहे, कभी भुप्पा आ रहे. मतलब एक जिरगा खुला होता है घर में कि उनकी लड़ाई सुलझाते रहो. फिर कुछ होते फर्मा बरदार कपल. अम्मी वो मैं उनके साथ घूमने चली जाऊं, अम्मी मैं मौके चली जाऊं. तो बहुत सारे कपल्स. और पता है होता क्या है कि कपल्स जो हैं एक्चुअली एक दूसरे को देखकर रंग बदलते हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं शादी होके गई तो मेरे ससुराल में क्या एक रिवाज था जो मुझ में भी आ गया है कि धुर लड़ाई हुई और उसके बाद कुछ मिनट गुजरे, कुछ घंटे गले लगा लिया, प्यार कर लिया, दोस्ती हो गई. मैं शक्ल देख रही, मैंने कहा हाय हमारे घर तो कुछ एक महीने तो चलती है लड़ाई. मतलब मेरे महके में तो ये होता है, नाराजगी थोड़ी बहुत तो रहती. मैं भी वैसी हो गई. मेरी अम्मी कहती तुम भी वैसी हो गई अपने ससुराल जैसी, दर 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 लड़ाई, दर 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 प्यार. एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ बहुत ही प्यारे से खूबसूरत कपल से मिलने के लिए. आइए जानते हैं कि उनका शुमार किस तरह के जोड़ों में होता है. अभी नई नई शादी हुई है, नया नया जोड़ा है, पहली दफा मेरे शो पे आए हैं. बड़ी प्यारी प्यारी मनमोहनी सी बातें होने वाली है. उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी आई है जरा मिलकर उनसे जानते. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से क्यूट से कपल को हम आपके सामने यहाँ बुला रहे हैं. प्यारी सी बच्ची है मेरे सामने. कुछ अरसे पहले इसका निकाह हुआ था तो हमने इनको बुलाया था, बहुत प्यारी बातें हुई थी. और अब फाइनली रुखसती हो चुकी है, शादीशुदा हो गई हैं ये जनाबा जनाब. ईद के शो पे भी आपने इनको देखा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई. और अब यहाँ ये अपने हस्बैंड के साथ हमारे शो पे मौजूद है. बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अपनी मैरिट पे अपनी जगह बनाई है इस शो बिजनेस में. और इंशाल्लाह अपनी मैरिट पे ही घर में भी, मियाँ के दिल में भी जगह बनाएंगे और सास के दिल में भी. अगर मैं कहूँ कि मैं आज बुला रही हूँ मिस्टर एंड मिसेज असद को तो शायद आप कोशिश करेंगे कौन कौन कौन. लेकिन मैं कहना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेज असद को वेलकम करते हैं अनम फयाज और असद. बहुत प्यारा कपल माशाल्लाह. लेकिन आप ये देखें, मैंने वादा पूरा किया. ये बिल्कुल शो पे आई थी निकम के बाद भी आ रही हूँ. ये वाली बात तो है. एग्जैक्टली, वादा निभाया. और सबसे अच्छी बात, मुझे बहुत जगह से कॉल्स आ रही थी तो मैंने पहले इनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ कमी है. हाँ. सच बताऊँ, निदा यासिर यार वाई थैंक यू भाई, मैंने कहा पहले वही जाएंगे. इसी दफा भी जब निकाह के बाद आप दोनों आए थे, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई थी, हमने कहा हमारी बेटी सेफ हाथों में चली है ना. माशाल्लाह. और मतलब अंदाजा हो जाता है मंगनी या निकाह के बाद कि लाइक वो आपका गोल्डन पीरियड होता है कि आप जो है जिसे जिसके घर जाने वाले हैं हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी सौंपने वाले हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है. Exactly. तो बहुत सारी बातें हमने इस कपल से करनी. कैसे लग रहे हैं दोनों? निकाह के बाद जब असद आए थे तो जाहिर निकाह माशाल्लाह इनका मक्का शरीफ में हुआ था तो ये बाल छाल गायब थे. याद है टोपी पहन के आए थे कि नहीं पहनी हुई? उन्होंने पहनाई थी. असल बाल है, उन्होंने ही पहनाई थी टोपी. हां, ये पहना के लाई. लेकिन माशाल्लाह जब इतनी मुबारक जगह पे निकाह होता है तो इस तरह के रिश्ते तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि हमेशा बहुत अच्छे चलते हैं, फलते फूलते हैं. बिल्कुल. आइए जी तशरीफ रखिए, टेबल टेबल
टेबल में ब्रेक के बाद ले आती हूँ, चाहो तो मैं दूसरे सोफे पे ही रखूँ। हाँ ये आप करेंगे ताकि ये फूल ऐसे खिले खिले रहे ना। हाँ सब सेटल डाउन हो गए। हाँ जी कौन सी तारीख नोट की जाएगी रुखसती की? सीरियसली मैं भी सोच रही थी कि हम निकाह वाली सेलिब्रेट करेंगे या रुखसती वाली, फिर मुझे लगा क्योंकि निकाह भी इतना स्पेशल था हम उसको भी कर लेंगे और रुखसती तो स्पेशली वो तो फिर है ही, तो है एक इवेंट हमारा था प्रॉपर एक। तो कितने दिन हो गए रुखसती हुए? 7th ऑफ दिस मंथ। अच्छा मतलब अभी तो अच्छा माशाल्लाह तो दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, वरना अक्सर ये सोचते ना आप जब आप खासतौर पे शो बिजनेस में हैं और मेकअप कर रहे हो तो रोज तो रूप नहीं आता, लेकिन भाई असल दुल्हन बनने के बाद जो एक्चुअली रूप माशाल्लाह आया, तुमने बड़ा अच्छा सिलेक्शन की थी। कुछ क्या था तुम्हारा घाघरा और वो साड़ी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं दुल्हन में बनती, क्योंकि इतनी शूट्स होती हैं तो दुल्हन बनते रहते थे, मैं उनको अक्सर दिखाती रहती थी, तो मुझे लगा कोई चार्म नहीं होगा, ये बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगी आपसे, मुझे लगता था कोई चार्म नहीं होगा। लेकिन सीरियसली निदा जब आप बनते हैं ना और जो आपकी फीलिंग्स अंदर की चीज ना, अंदर की चीज लोग देख के कह रहे थे कि आप दुल्हन लग रही है माशाल्लाह, आपकी फीलिंग्स भी आपको बता रही होती है कि यार आप दुल्हन है। असद कैसी लग रही थी जब आपने इनको देखा तैयार होके यहाँ आई? पिक्चर मॉन्टाज भी चल रहा पीछे और सब भी देख, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक अनम को दुल्हन बने हुए वो देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, दोनों की पिक्चर्स चल रही हैं अनम और असद की, अब बहुत अच्छी लग रही है। तो असद ने क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए? तो ये भेजती रहती है। अच्छा। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था आफ्टर यू नो व्हेन शी वाज रेडी, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था उसके बाद। अच्छा मैं सही लग रहा हूँ? हाँ ये थोड़ा सा हो गया था। वो उसके बाद ये हुआ कि इट वाज वेरी नाइस फर्स्ट ऑफ के इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम उस तरह से इसको देखा और उसके बाद फिर आई वॉज कन्फ्यूज एज वेल और आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा ये हसीन लड़की मिल गई मुझे। मेरी लॉटरी निकल गई। तो ये लॉटरी जो है ना इसकी हमेशा कदर करेगा। जी जी। तो अच्छा फिर आपने कॉम्प्लीमेंट क्या दिया? सच बताऊं जब मैं मेरी एंट्री हुई ना तो फिर ये बाहर ही खड़े थे, तो मैंने कहा दरवाजा खुला मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुझे पकड़े जरा मैं उतरूं। ही वाज लाइक, मैंने कहा पकड़े, ये बिल्कुल ऐसे थे। मैंने कहा शायद कुछ बोलेंगे, फिर नहीं बोला उन्होंने। जब वहाँ हम लोग जब कुछ दिन गुजर गए मुझे कह पता है जब आपने मुझे कहा था ना पकड़े मुझे और मैंने जब आपको देखा था मैं भूल गया था कुछ सब कुछ मैंने कहा ओह माय गॉड हाय हाय क्या प्लान हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो क्या प्लानिंग की फिर? वो था ना शादी से पहले आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि रुखसती के बाद इधर जाना है उधर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल हमने प्लानिंग तो की हुई है, लेकिन चूंकि शादी जो टाइम हमारा हुआ उसके बाद मुहर्रम शुरू हो गए थे और फिर मेरी जो खाला है उनकी शादी भी थी, तो हमने कहा मुहर्रम के लिए हमें आना पड़ेगा या मुहर्रम आप क्या फिर सेलिब्रेट आप नहीं कर सकते, तो हमने कहा हम ब्रेक दे देते हैं, तो इनके माशाल्लाह गांव है खेत है, मैंने कहा क्यों ना वहां चलते हैं 4-5 दिन का गैप है फिर अपनी शूट खत्म करके फिर हम निकलेंगे। नानी भी थी यहाँ पे, शी यूज्ड टू लिव देयर ना, अच्छा तो उनको भी फिर साथ वहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया। अच्छा फॉर द टाइम बीइंग इसको ले गया कि शी वाज सेइंग कि मुझे लेके चलो सिंस द डे फर्स्ट हम लोगों ने जब निकाह किया था। अच्छा तो मैं लेके नहीं जाता था, काम से जाता था काम से आ जाता था, तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा चलो रैंडमली अगर मैं जा ही रहा हूँ तो इसको भी साथ लेके जाता हूँ। तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे वहाँ पे इसको रोकना पड़ रहा था, ना कि मैं आगे जाऊँ और मैं इसको संभालूं। मतलब इसके साथ ऑब्वियसली लोग थे तो इसका ख्याल करने के लिए, तो मैं इसको देखता था वे वहाँ पे आपको पता है ज्यादा डेवलप नहीं होता फार्म्स में, क्या होगा डेवलपमेंट, तो जब ये एंड्यूरिंग फार्म्स में थी शी वाज रनिंग अराउंड, अरे भाग रही थी, भाग रही है, अब बीच में मुझे लगी, मुझे चोट लगी छोटी सी एक, तो मैंने बोला यार मुझे चोट लग गई है। अच्छा सही है ठीक है,
तो मैंने कहा यार मुझे चोट लग गई है. नहीं पहले अच्छा, मुझे कहा ना यार वो इनको ना कांटा लग गया. तो हाँ. कहा यार ना मुझे ना कांटा लग गया. मैंने कहा ठीक हो जाएगा सही कुछ नहीं होता चलो चलो चलो. अरे यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गई घर चलो तुम. मैंने कहा थोड़ा फोकस करो मैं मियां हूं आपका थोड़ा फोकस करो मैं नया नया मियां हूं तुम्हारा. कांटा निकालो कांटा. तो ऐसा हो गया था. तो ये तो अभी आप लोग खेतों में घूम कर आए. हाँ अभी तो फिर गाने वाले नहीं पिक्चराइज कर रहे. बिल्कुल मैं तो हो गई थी राजन सिमरन जैसे उड़ा रही थी. मैंने कहा मैं तो बस बन गई हूँ राजन. ये हंस रहे थे. हाँ. करो. हाँ. और दूसरा ये कि उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा किया वहाँ पे म्यूजिक वीडियो ऐसा कुछ थोड़ा बनाया फुल. हाँ, ये तो मतलब यार वो एडिट होके कब मिलेगा हमें. सून कमिंग सून. बस ये रैंडम वहाँ पे इस तरह रोम अराउंड कर रही थी. शी वाज प्रीटी मच एक्साइटेड टू सी. तो फिर इतना एक्साइटेड मैं भी नहीं था. तो अच्छा मेहंदी वगैरह हुई या डायरेक्ट नहीं मायू हुई थी. अच्छा. और रुखसती हुई है मेरी. हाँ. लेकिन हमने घर से रुखसत किया था क्योंकि मेरी मम्मा को गए हुए ज्यादा टाइम. हाँ. नहीं हुआ. सो और हो भी जाता तो भी हम लोग सादगी से ही करते हैं. हाँ. क्योंकि कमी रह जाती है ना. और सो हमने कहा एक इवेंट अपना कर लेते हैं हम ब्रांड जिसमें सब हो खुश हो. हमने इसलिए ये एक ये वाला इवेंट मतलब ये कोई शहंदी टाइप चीज थी. Yeah, you can. है ना वलीमा नहीं हुआ. वलीमा और शादी सब मिक्स था. मिक्स था. रिसेप्शन बड़ा था. रिसेप्शन था. रिसेप्शन था. रिसेप्शन था. हाँ. सो हमने इसके थ्रू इस तरह किया. अच्छा क्या तैयारियां तुमने की थी. होते ना कि जैसे मैंने नथ पहननी है मैंने इतने साइज की होनी चाहिए मैंने ज्वेलरी ये पहननी है मैंने माथा पट्टी पहननी है. हाँ, बिल्कुल. कपड़े कहाँ से बनवाने हैं. ये रुखसती में मैंने नहीं सोचा था लेकिन वो अच्छा बन गया था. हाँ. लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी जब मेरा ड्रेस डिजाइन मेरी नंद ने किया है ड्रेस अच्छा. डिजाइन तीन दुरानी में होती है. आ, तो उन्होंने ड्रेस डिजाइन किया क्योंकि उनको पता था मुझे ना इंडियन और ट्रेडिशनल बड़ा पसंद है. अच्छा. तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र है मैं आपको उस हिसाब से डिजाइन करके दूंगी. हाँ. तो मैंने अम्मी से कहा मुझे माथा पट्टी का बहुत शौक है मुझे नथ का बहुत शौक है. तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे ज्वेलरी दी कि वो सब है आप वो सब पहना. मैंने सब पहना. अल्लाह स्वीट स्वीट. और जोड़ा क्या कलर कॉम्बिनेशन था सारा. मरून था. हाँ. गोल्डन शर्ट थी और गोल्डन दुपट्टा था. बहुत ट्रेडिशनल था वो. और हम सब अभी ऑन स्क्रीन देख भी रहे हैं यही वाला जोड़ा. ये ओए हो ये तो कोई वो लग रहा है अभी जैसे प्रोमो कुछ सीरियल आने वाली है उसका प्रोमो लग रहा है. एग्जैक्टली. है मियां बीवी दोनों हीरोइन. उन्होंने किया है. और मेकअप किसने तुम्हारा किया. सॉरी मेकअप तुम्हारा किसने. बिलाजो भाई सजम है वो और वो दुबई की हैं. अच्छा. आर्टिस्ट जो यहाँ पे उन्होंने नया अपना सैलून. क्या नाम बताया. बिलाजो भाई बाय सदफ. सदफ. अच्छा तो तुमने कहाँ से मिली. बिलाजियो आई गेस. बिलाजियो. देखो तुमने तो इतने सारे लोगों से मेकअप कराए हुए हैं तो इनसे पहले तुम करा चुकी थी मेकअप या तुमने. इनका मैंने देखा भी था और मुझे इनका अच्छा लगा और मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट सा लग रहा था इनका काम. सो मैंने कहा मैं इनसे करवाती हूँ. इनसे करवाती हूँ. और पहली दफा तुमने इनसे कराया. पहले फर्स्ट टाइम इनसे करवाया. वही ना क्योंकि देखो जैसे तुम तो हर जगह से मेकअप करा चुकी तो तुम्हें आइडिया था कि क्या है क्या नहीं है. अच्छा और इनको भी तुमने मशवरे दिए थे कि मैं ये कलर पहन रही हूँ तो आप ये वाला पहनिएगा. ये काम मेरी पूरे नंद ने सवाल संभाला हुआ था. जवेरी अनवर जो है. अच्छा. वो माशाल्लाह क्योंकि डिजाइनर है तो वो उनको कह रही थी कि भाई आप ये पहनिएगा मैनम के लिए ये वाला डिजाइन कर रही हूँ. वो उन्होंने वो सारा उन्होंने किया. अच्छा अक्सर ऐसा होता है जैसे निकाह हुआ हुआ है तो सारी वेन्यू खाना मेन्यू सब जो है दुल्हा दुल्हन भी उसमें आगे आगे होते. तो आप लोगों का शुमार उन दुल्हा दुल्हन में था कि मेन्यू डिसाइड करना. तो वेन्यू डिसाइड करना. हमारा सिर्फ मेन्यू नहीं बल्कि हमारी प्लेट का एक चम्मच था ना. हाँ. वो भी हमने किया. वाओ पूरा इवेंट प्लानर. हम लोगों ने बेसिकली उसमें जितना इवेंट था हमारा वो सारा कस्टमाइज हम दोनों का ही था. अच्छा. मतलब विद द हेल्प ऑफ इवेंट मैनेजर. तो चमचे में क्या खास चीज रखी है. क्या होना चाहिए. एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए. क्या लुक होना चाहिए. निकाह के बाद कितने अरसे बाद रुखसती हुई है. कितने अरसा. दो साल तकरीबन. दो साल. ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड होता है ना. निकाह और उसके बाद फिर वो दो साल तक रहना. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें तो पता भी नहीं चला. अच्छा. हाँ. झगड़े झगड़े नहीं हुए बीच में इतने. वो तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस. देखिए और वैसे भी झगड़े तो हर जगह होते हैं. हाँ. सो वो वाली तो वो तो रहती है. तो ज्यादा झगड़े ये करती थी आपसे. आप करते थे निकाह और रुखसती के दौरान. अब आप क्या ये झगड़ालू है थोड़ी.
अच्छा चले हम गैस आप दोनों से नहीं पूछते, हम आप लोगों से गैस कराते हैं. अच्छा जिसका लगे आपको, जिसका मैं नाम लूंगी उसके ऊपर ज्यादा तालियां बजानी कि उसने ज्यादा झगड़ा किया होगा. क्या आपको लगता है दूल्हा भाई असद ने ज्यादा झगड़ा किया होगा ड्यूरिंग निकाह और रुखसती के दरमियान जो 2 साल थे, एक भी ताली नहीं बजी. क्या आपको लगता है अनम ने ज्यादा झगड़ा किया होगा? असद आपने पैसे तो नहीं खिलाए, पैसे तो नहीं खिलाए, हाथ ही है ना वो छुआरे की जो होती, यही लग रहा है बांटे थे वो, बांटी है छुआरे की पैकेट जो है ना वो बांट कर आए मुझे लग रहा है. अच्छा हाँ अनम देखिए आप सब गर्ल्स हो के गर्ल्स का साथ देना चाहिए था आपको, ये क्या किया आप लोगों ने? ये तो अब ये फेवर ली जा रही है ना. हाँ, ये तो फेवर ली जा रही है. अच्छा निकाह से लेकर रुखसती तक क्या क्या चीजें अनम ऐसी जो एक शादीशुदा लड़की को आनी चाहिए जो सीखती है ना, अक्सर लोग लड़कियां रंगून वाला से जाके कोर्स कर रही होती है, रोटी पका लूं खाना पका लूं ये कर लूं वो सीख लूं. मुझे लगता है इससे ज्यादा सीखा, इससे ज्यादा जरूरी ना खाना पकाना और इससे आप रिश्तों का एहतराम करना सीखे, मुझे ये लगता है. और इस चीज को समझें कि शादी कोई मजाक नहीं है, शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने करनी है, संभालनी है. बिल्कुल ये सबसे जरूरी. खाना पकाना तो आपको शादी के बाद भी आ सकता है, गूगल लगा ले मिलके बना ले, हर कोई सीख लेता है खाना. मैं कहती हूँ गर्ल के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं खाना नहीं पकाती ना मैं किचन में जाती हूँ, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ ना मैं बना लेती हूँ कुछ भी, मिक्स एंड मैच करके. आजकल तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब कर लें तो ये सब बहुत इजी है, इजी हो जाता है. जरूरी है कि आप एहतराम आप सबको लेके कैसे चलेंगे, मैच्योरिटी लाए सबका दिल रखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सबको उस हिसाब से सबके हिसाब से चलना पड़ता है, ये बात जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं कि रुखसती के बाद मुंह दिखाई में क्या मिला, क्या क्या चीजें हैं जो आगे चल के इनके प्लान्स हैं, बड़े पर्सनल प्लान्स भी, सब मेरे दिमाग में सवाल है. ठीक है वो मैं सब पूछने वाली हूँ. सर तैयार रहो, दुल्हा दुल्हन तैयार है निदा यासे अपनी सवालों का पिटारा लेके. नहीं मेरे मासूमाना सवाल नहीं हो सकते, सॉरी वो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वसीम बदामी. मैं तो मासूम हूँ ही नहीं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जोड़ा अनम और असद यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे बड़े मजे मजे की बातें करें. अब मैं इनसे जरा अंदर की बातें पूछती हूँ. हाँ जी मुंह दिखाई में क्या मिला? मुझे मिली थी डायमंड रिंग. ओए 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 अच्छा ये अच्छा पहनी भी है? ओहो भाई आप जरा फोकस करें भाई, हमारे कैमरामैन पीछे भी रहने चाहिए. ये मिली तुम्हें पता था कि यही मिलेगी या सरप्राइज? नहीं सरप्राइज रखते हैं अक्सर. अच्छा ओहो नहीं बताते. तुमने कोई ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की थी कि मुझे शादी पे रुखसती पे मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, रुखसती इस चीज में हो, बग्गी हो या गाड़ी हो या कुछ ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम था तुम्हारा? मैं चाहती थी कि बग्गी वाला सीन हो, लेकिन दूर थे और फिर टाइम इतना हो गया था तो मैंने कहा नहीं फिर छोड़ दे. ऐसा ना रास्ते में डाकू आके ये वाला सिक्योरिटी की वजह से पता चले पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही. मेरा जो छोटा भाई था ना उनका नाम भी असद है, तो उन्होंने फरारी हमें दी थी अनम असद वेड्स इस तरह वो लगा कर कि आप इसमें जाएंगी दोनों दूल्हा दुल्हन. अरे वाह अनम वेड्स असद वो गिफ्ट किया था कि आप इसमें जाएंगे, कहां इसमें गए? इंडिविजुअल सिर्फ कपल उसमें बैठेगा, वापसी पे वो फिर वापस. अच्छा 2 साल पहले वाले असद में और अब वाले असद में क्या फर्क है? मियां हो गए पहले तो, और दूसरा है कि लेजी हो गए हैं. फुल लेजी. शादी से पहले प्रॉमिस होते थे क्योंकि माशाल्लाह इज वेरी गुड कुक. अच्छा हम मिलके खाना बना लिया करेंगे, डोंट यू वरी ये हो जाएगा, साथ में हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इस तरह मैं कर लूंगा आदाब कर लीजिएगा, मासी आएगी कभी मैं देख लूंगा आप. ओके फाइन. अब होता है ना पानी पिला दो यार, तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ फ्लैश बैक में जाके सारे प्रॉमिस फ्लैश बैक बादल बना हुआ. एग्जैक्टली अच्छा और? मैंने अभी कहा भी था मेरी थोड़ी तारीफ कर देना. यही कहा था वो करेगी अभी आज करेगी. अच्छा फिर और क्या चेंज आया? एक तो ये चेंज आया. हाँ और क्या अच्छा चेंज है? सुस्त होना मियाँ बनना. हाँ, अच्छा चेंज ये देखें जरा. अच्छा और क्या चेंज आया कि बीवी से ज्यादा टीवी को देखते हैं अभी? ये वाला चेंज तो नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं आया. शुक्र टीवी का शौक ही नहीं, टीवी का शौक नहीं है. चलो सही है. कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है? सुनो ये होगा ना, ये वहाँ जाकर ना जरा ये करना, कुछ कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है? कहीं कहीं किसी रिश्तेदार के कहा जाता है थोड़ा चुप रहना,
कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ कहा जाता है ये करना या वो करना? इनके ज्यादा रिश्तेदार यहाँ है नहीं. अच्छा, तो मुझे ज्यादा जाना नहीं पड़ा किसी के घर. अच्छा, इनके गाँव में थे कुछ, दावतें वगैरह नहीं? दावतें अभी होंगी, मुहर्रम पे हमने ब्रेक दिया हुआ था. अच्छा, अब मुहर्रम के बाद हमारे मोस्टली जो है लोग ऑब्वियसली मुहर्रम की वजह से आफ्टर मुहर्रम करेंगे. आफ्टर मुहर्रम फिर ये कि शादी भी आ गई एक रिलेटिव्स में. अच्छा, तो वो भी हम लोगों ने ऑब्वियसली. अच्छा, कोई ऐसी दावत अभी तक अटेंड की जो तुम लोगों का खाना खत्म नहीं होता तो प्लेट में डालते जा रहे डालते और तुम लोगों को कॉन्शियस रहना होता है अपने वेट वगैरह के लिए? एग्जैक्टली अभी इनके फ्रेंड की हलीम पर हम गए थे. अच्छा, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. अच्छा, तो उसने वो हर साल करता है. तो उसने मुझे इनवाइट किया तो हमने वहाँ भी खाया. फिर इनके रिलेटिव्स हैं वो बीमार थी. अब वो बीमार थी ये उनको आयादत के लिए मैं गई और आयादत के लिए वो सबको बुला के बैठी थी. मैं इनको पहले से बोल रही थी कि वहाँ फोन करके बोल देना कोई एहतमाम ना करे. हम वहाँ गए, वहाँ तो सीन ऑन है, वहाँ बिरयानी तो हलीम तो ये वो, वहाँ भी फिर खाना पड़ा और वहाँ भी बैठ के खाया. उसके बाद हम ये हो रहे थे क्या करें. ओह माय गॉड, वेट बढ़ा कुछ इक्कीस दिन में. कोशिश तो बहुत कर रही हूँ लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की. ट्रेडमिल लेकर आई हूँ साथ. मैंने कहा लगाया है नहीं करती हूँ ट्रेडमिल. पहली दफा सुना है मैंने. ट्रेडमिल भी लाई है दुल्हन. अच्छा, वो भी यही कह रहे ट्रेडमिल भी लाई, ऊपर भी ट्रेडमिल, यहाँ भी ट्रेडमिल, ऐसी रखी रहती है. मैंने बोला ये करेगी देखना, मुझे भी लगा देगी क्योंकि ऊपर मेरी है और नीचे असल में वी आर लाइक कम्बाइन. तो हमारा एक फ्लोर हमारा है, हम दोनों का, ऊपर मेरी फैमिली है. अच्छा, तो नीचे भी ट्रेडमिल अब्बू ने देखी, ये ट्रेडमिल किसका है? मैंने कहा ये अनम लेके आई है. ऊपर वाला किसका? मैंने कहा वो मेरा है. तो करते तो वो नहीं तुम. मैंने कहा अनम करवा देगी मुझे. जब मेरी पैकिंग हो रही थी ना, जब दुल्हन की पैकिंग होती है तो मेरी कजन्स, मेरी फ्रेंड्स सब मुझे देख के सीरियसली उन्होंने मुझे कहा कि दुल्हन की हमने और भी पैकिंग की, और भी दुल्हनों की, लेकिन लग रहा है आप दुल्हन होके नहीं, आप शिफ्टिंग कर रही हैं. इतना सामान था माशाल्लाह, कंटिन्यूटी के कपड़े, चीजें, ट्रेडमिल, ये भी तो वो भी, वो भी तो वो भी सब. मतलब तुम्हारी मासियां तुम्हारी शक्ल देखती रह गई, कोई पुराने कपड़े देके नहीं गई तुम, सब कंटिन्यूटी के कपड़े लेके चली गई. नहीं, मैंने अपने दे दिए थे लेकिन हाँ, जो दूसरे पसंद आ रहे थे मैंने कहा उसको मत छूना, वो कंटिन्यूटी के, दूर रहो तुम लोग. अक्सर होता है ना, जिस लड़की की शादी हो रही थी वो सब चीजें बढ़ रही है. तो वो कर बोल रही है ना, बाजी हम तो आपकी हेल्प करा रहे हैं, आपकी हाल उनको पता होता है, बाजी कपड़े मिल रहे हैं निकालना. तो ये कंटिन्यूटी के चक्कर में फंस गई, वापस आ, वापस आ गया मेरे पास. अच्छा, तो फिर वहाँ जगह थी डंप करने की कई चीजें तुम्हारी? या मैंने तो पूरा एक रूम लिया इस चीज के लिए. मैंने कहा इसको हम वार्डरोब वाला रूम बनाएंगे क्योंकि हम दो ही हैं, फ्लोर है हमारा. इनको एक वार्डरोब का सेपरेट जरूरी है. देख लिया था मेरा हाल, तो मेरे अपने कमरे में जो बर्बाद हाल था, मैं सराउंड जो है मेरे रूम में ना हो तो उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया. तो अच्छा, ये जैसे अभी तैयार होके आपके साथ कहीं निकल रही होती तो आपको दिखाती है, असद बताओ ये पहनू कि ये पहनू? जी जी हाँ, पूरे मशवरे से टफ यही काम है मेरे लिए. मैं तैयार हो जाऊंगा ये रात में डिसाइड भी कर लेंगी कि ये पहन लूंगी. तो सुबह उठेंगी मुझे पहनेंगी, तैयार होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा ये अच्छा है ये पहनू, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो उसमें जो डिफिकल्टीज आती है ना, मुझे टाइम लगता है उसमें, बहुत टाइम लगता है. और उसमें ये कि फाइनलाइज भी करूँ ना, उसमें भी कंफ्यूजन होती है कि क्या आप पक्का कह रहे हैं ना सही लग रहा है. हाँ हाँ पक्का पक्का, जल्दी के चक्कर में तो नहीं कह रहे ना ऐसा लगता है. अच्छा, किस चीज का होता है ना कि जैसे मुझे ज्वेलरी का शौक इतना है, देखो मैंने ज्वेलरी उतार भी थी, ये बहुत चुभ रहे हैं, वो चुटकी वाले होते हैं वो है कानों में, मैं भूल गई, बहुत पेनफुल. तो जैसे मुझे शादी के बाद शौक हुआ था सोने की ज्वेलरी पहनने का, वैसे नहीं था इतना, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद खत्म भी हो गया, लॉकर में पड़ी रह गई. तो तुम्हें एकदम रुखसती के बाद क्या शौक चढ़ा है? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यही गोल्ड का ना, मैंने बनवा के रखी भी थी, लेकिन जब मेरे मैंने मुझे चूड़ियों का भी बहुत शौक है, मुझे इतनी पसंद है चूड़ियाँ, नहीं होती कांच वाली, मैंने ली थी स्पेशली पे, मैं इनके गांव गई थी, वहाँ भी मुझे जो इनकी खाला है नाजी आंटी, उन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ दिलाई. और अम्मी ने कहा था इनको वहाँ से चूड़ियाँ दिलाना, मैं फुल पहन के घूम रही थी. लेकिन जब आई शूट शुरू हो गई तो मुझे उतारनी पड़ी, पेनफुल, मैं कुछ भी नहीं पहन पाई चूड़ियाँ. अच्छा, ससुराल वाले कहते ना बेटा नई नई शादी हुई चूड़ियाँ भर के रखो, वो तुम्हारे तो कोई ऐसी तुम्हें फोर्स नहीं किया जाता. नहीं शुक्र, क्योंकि उनको पता फिर काम भी स्टार्ट हो गया तो
नहीं करती हूँ। दावतों में जाती हूँ तो फिर जेवर शेवर पहन के पहनती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत शौक था। तो ये शौक बहुत मेरे अंदर भी है। वो जब उनको मैं देखती थी, जब वो तैयार होती थी ना, वो खुश होती थी, तो मैं उनको पहनाती थी, अपनी चीजें भी पहना देती थी, ये पहन ले आप, तो वो पहन के ना खुश होती थी। और वो कहती थी बेटा आप पहना करें, आप शादी के बाद अभी से आदत डालें। उलझन होती थी, चेन पहनी हुई आदत नहीं है, मम्मा उतार दूं, पहनी रहे, शादी के बाद कैसे बर्दाश्त करेंगी, काम करना आपने ये सब करके। तो मुझे वो आदत उन्होंने डाल दी थी, तो मुझे आदत है, वेयर उसको बहुत इस तरह से कैरी कर लेती हूं। वो वाली बातें देखो, देखो 2 साल पहले निकाह हो गया और रुखसती 2 साल बाद हुई, तो तुम्हें 2 साल तक अपनी अम्मी के साथ रहने का वो टाइम मिल गया। एक होता है ना, और ट्रेनिंग भी मिल गई। ट्रेनिंग भी मिल गई। क्या ट्रेनिंग दी अम्मी ने? मम्मा ने, मैं कहती हूँ कि शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, जो मेरी इज्जत है इस फील्ड में या मेरे घर में या जहाँ भी, तो वो मेरी मम्मा की वजह से। हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ दोस्ती करें और उनको सिखाएं, मतलब वो चलते फिरते सिखाती थी। और मैं बचपन से मिला था, मतलब मेरा, मैं पानी पी रही थी, मेरा ग्लास स्लिप होके गिरा, तो मेरी नानी ने कहा दूसरों के घर जाओगी तो क्या करोगी, ये करोगी। मैंने कहा नानी अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है, और मैंने पानी तो गिराया नहीं, तो हमें ये सुनने को मिला था। अच्छा, सच बता रही हूँ, जब मेरा इनके साथ निकाह हुआ था हमारा हरम में, तो हम अलग अलग थे, उसके बाद जब हमने एक दूसरे को देखा है, तो मैं इतना अजीब हो रही थी, जबकि हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी बाउंडिंग है, लेकिन मुझे वो लग रहा था कि अब ये मेरे शौहर है, अब यही मेरा सब कुछ है, मुझे यही रहना है, मुझे इनको देखना है, मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, तो वो चीजें थी, वो मेरी माँ की तरबियत थी और नानी, तो जो हमें उस तरह रखती है कि यानी हमें उस घर को चलाना है, मतलब कि जो लड़कियों की माएं हैं उनको कदम कदम पे हल्के 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 हल्की चीजें सिखाती। मैं सोचती हूँ कि मैं आज जब इंशाल्लाह मेरी जब कोई बेटी होगी ना, तो मैं उसको पहले से ट्रेन करना शुरू कर दूँ। नहीं पता ना जिंदगी का, अब जरूरी नहीं शादी के करीब हो, क्या पता वो, देखो मेरे साथ नहीं थी, मेरी शादी में मेरी माँ साथ नहीं थी, लेकिन मुझे जरूरत नसीहत है, लेकिन देखिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा मम्मा मेरे, मुझे सबसे कह के चली गई। वो बातें करते करते ना, काम कर रही होती थी चीजें, मैंने ना आपके, और बता देती थी कि मैंने आपके लिए ये रखा हुआ है, मैंने आपके लिए बर्तन रखे हुए, इतने पुराने मेरे चांदी के उन्होंने रखे हुए थे, आप ये लेके जाइएगा, आप ये भी समझा के चली गई कि आप ये लेके जाइएगा और ये आप लेके जाइएगा। ब्यूटीफुल लेडी थी वो, मतलब ये तो ये, मैं बहुत क्लोज था उनके, शी वाज अ फ्रेंड। उनकी बात आपने कैसे आनम को संभाला? बस इट वाज हार्ड, बट लेकिन मुझे भी जो सिखा के गई हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने उसी तरह। अच्छा, कुछ कहती थी, बताती थी कि देखो अनम, अनम जो है वो गुस्से की तेज है या कुछ ऐसा, कोई भी बहुत सिखाया उन्होंने मुझे। हाँ, समझाती थी, है। लेकिन उनसे सीखने को बहुत, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि यू कैन लर्न कि वो किस तरह लाइफ में, मतलब अपना रोल प्ले कर रही है। सर्टन हुआ उनके साथ कैंसर था, कैंसर था उनका। और जब तुम लोगों का निकाह हुआ था, तुम लोगों को पता था कि? नहीं नहीं नहीं, उसके 3 महीने बाद ही तो डायग्नोस हुआ था, उम्र से जब वो उम्रा करके आई थी तो उसके बाद। ओह माय गॉड। तो खैर, शी वाज अ रोल प्ले कि हम लोग उनको देखते थे ना, तो उन्होंने मतलब पापा से कभी लड़ाई नहीं की, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी भी ये गुस्से में भी उनको हंसते हुए देखा। हंसती थी वो, हंसती थी वो, कोई डिमांड नहीं करती थी। मैंने पापा को कभी भी, मतलब मैं एक बार, मैंने इनसे कहा था, मैंने नोज प्रेसिंग करवाई थी, तो मैंने कहा मुझे डायमंड पहनना है, तो मैंने मम्मा को देखा, तो वो ना देख के मुझे खुश हो रही थी, लेकिन वो कभी मतलब बोलती नहीं थी कि मुझे चाहिए या मुझे दे दो या मैं भी बनवाऊं, नहीं थी वो इस टाइप की। तो मैंने देखा कि देखें हर हाल में ना वो खुश, आप कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो भी खुश है, तो वो ये थी। अल्लाह, और ये चीजें कहते हैं ना कि अगर आपने लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देख लो। Exactly. तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, सही कह रही हैं, बीटियों में ना चीज ट्रांसफर हो, ये बहुत बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अगर आपने, आपको नहीं पता कि जिस लड़की के लिए रिश्ता लेके जा रहे हैं वो कैसी है, आप उसकी अम्मी को ऑब्जर्व कर लें, आपको पता चल जाएगा कि बेटी कैसी हो। मतलब माय फैमिली, माय पेरेंट्स, उनको बहुत पसंद थी, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी थी। हाँ। तो उनका ये था कि बस जो इंसान जो आता ना यहाँ पे, दिस इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, तो हाँ। इसमें ये कि हंस के जियो, दिल में बात नहीं रखो, दुश्मन भी आए तो उसको आप हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि उन्हें कैंसर हुआ था और एक खूबसूरत औरत जिसके लोग मुझे कहते थे कि आपकी बहन लगती है और आप बूढ़ी नहीं होती, आप बूढ़ी नहीं होती, मम्मा को ये बोलते थे कि आप अभी भी वैसी हैं, आप जवान हैं। और जब उनको कैंसर हुआ तो उनकी जब ऑपरेशन, उनकी एक आंख चली गई थी और उन्हें, हमने डॉक्टर ने कहा था उनको छुपा के रखना क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था। हाँ। तो जब उन्होंने खुद अपनी पट्टी उठा के देख ली और बोल रही है, अब हम डरे हुए थे कि इनको हम कैसे समझाएं। हाँ। कि नहीं है। हाँ। तो जब हम गए तो कह रहे क्या हुआ, लोगों के तो हाथ पैर चले जाते, कोई बात नहीं, अल्लाह ने ले लिया। इतनी हिम्मत,
तो सब्र उनके अंदर बहुत था माशाल्लाह। ईद के शो में आई थी तो हमें शो रोकना पड़ा था क्योंकि उस वक्त, लेकिन माशाल्लाह से मैं ये देख रही हूँ कि आप इसके साथ बैठे हुए हैं ना, तो इसके अंदर वो एक सपोर्ट और हिम्मत है, क्योंकि ये उस वक्त ये बोल नहीं पा रही थी, मुझे मैंने शो रोका था, इसने मुझे आफ्टर शो कॉल करके बता दिया था, उठा दिया था मुझे सुबह सुबह, सुने ये हुआ, मैंने कहा अच्छा। मैं वही देख रही हूँ माशाल्लाह से आपकी वजह से वो हिम्मत इसके अंदर आ गई है कि यहाँ ये बैठ के लाइव अपनी अम्मी की बात कर रही है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, जबरदस्त। तो देखिए जिंदगी के साथ दुख भी है, खुशी भी है, खुशी का मौका है, मगर अम्मी की कमी कोई पूरी नहीं, कोई पूरी नहीं, मगर अम्मी की अच्छी बातें और अम्मी की अच्छी जिंदगी तुम याद करके हमेशा खुश होगी कि उन्होंने अच्छी लाइफ जी, एग्जैक्टली, और सब्र और एतमाद के साथ जीती रही कॉन्फिडेंटली। क्या चीजें तुमने पिक की अम्मी से, लड़कियों को क्या होना चाहिए शादी के बाद, लड़कियों को क्या करना चाहिए? सबर सबर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं गुस्से की तेज हूँ, सबर आ जाना चाहिए, सफाई में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि घर उन्होंने ही संभालना है, हाँ, और हैंडल करना आना चाहिए सबको, मतलब कि ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी कोई दावत है घर में, पता है कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, हाँ। मैं इनको भी देखती हूँ तो ऊपर भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऊपर जाके सलाम भी करती हूँ, उनको भी देखती हूँ, नीचे आती हूँ मियाँ को भी देखना होता है, ये ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद सफाई, मासी को भी टाइम देती हूँ, फिर अपना काम भी देखना, फिर अपने काम करके आना, फिर रिश्तेदार जो बीमार है उनको भी देख लेती हूँ, फोन कर लेती हूँ, उनको ले जाती हूँ, रख रखा ऑफ टाइम ये करती हूँ। ये मम्मा को मैंने देखा है कि वो कोई नहीं भी जानता था, कितनी बहनें वहाँ भी चली जाती थी, दो मेरे बाद एक और है, बस एक और बस, और भाई नहीं है, भाई तीन है और दो बहन है। तो ये तो जबरदस्त चीज हो गई कि चलो बहन है साथ, yes. एक 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 अगर बहन होती ना तो वो एक आपकी एक बॉन्डिंग exactly. अच्छा लड़की है। अच्छा रुखसती पे क्या, अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी अनम, ये मैं आ सकती रुखसती पे अनम ने क्या रवैया अख्तियार किया, रोई, हंसते हंसाती चलती हुई चली गई, पता ही नहीं चला कि रुखसती हो रही, ये सारी बातें हम असद से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद इंतजार कर लीजिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे पास जो नौ बयाता जोड़ा यहाँ मौजूद है, उनका पैकेज अभी देखा, इतना प्यारा लग रहा था, देखिए ऐसा लग रहा था कोई फिल्म नहीं आने वाली होती उसकी, उसका प्रोमो होता है, कोई रोमांटिक मूवी आने वाली हो, बिल्कुल अनम हमारी जो है वो महारानी लग रही थी। आज हमारे साथ अनम और असद हैं, और ब्रेक में जाने से पहले मैंने सवाल ये किया था असद से कि रुखसती का सीन क्या था, वो तो नहीं अभी हमने वीडियो में देखा, रुखसती का क्या सीन हुआ था, क्या अनम रोई हंसते साथ चली गई? नहीं, रो रही थी, हाँ obviously वो फील अलग होता है लड़की। अच्छा, क्या लड़के को क्या हंसी आ रही थी उस वक्त, क्या दुख हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? दुख तो होता है obviously, हाँ। और फील कर सकता है इफ अगर वो बंदा उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखे, हाँ। कि एक लड़की है वो वहीं उसने बड़ी बड़ी, हाँ, बर्थ वहीं, फिर वहीं ब्रेड एंड बटर है, फिर इतना अरसा वो वहाँ पे सीख के सारी चीजों को इंडल्ज करके, उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन वो छोड़ रही है, नई जगह जा रही, जीरो स्टार्ट कर रही है। आपको भी तो रोना नहीं आ रहा था कि अंदर? नहीं, मुझे रोना नहीं आ रहा था, मैं फील कर रहा था, थोड़ा अपसेट हो गया था इसको देख के, लेकिन फिर बाद में मजाक की बात ये है कि लड़के मजाक कर करके हंसाने की कोशिश करते हैं, मस्ती करते हैं, हाँ। बाकी मैं ऐसी अभी ब्रेक में इससे मजाक कर रहा था, मैंने कहा वो दिख नहीं रहा था इसलिए शायद रो रही थी, दिखना बंद हो गया। अच्छा, रुखसती का दिखना बंद हो गया था, रो रही थी ना आंसुओं से, आंसू और घूंघट डला हुआ था, मैं कैसे देखती? हाँ, तो टियर्स थे ना, तो दिखना बंद हो गया, मैंने कहा शायद इसी वजह से रो रही है। अच्छा, तो चुप कराया, या होता है ना कभी मस्ती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बस कर दो, मेकअप खराब हो जाएगा, ये मैंने बस ये कहा था कि देखो रोना बंद कर दो वरना मैं वापस छोड़ दूंगा। सही हो गई थी, सही हो गई थी। अच्छा, क्या मेन्यू था खाने का शादी का, याद है तुम्हें कुछ मौका मिला था खाने का? दुल्हन नहीं खा सकी थी, हाँ, लेकिन बहुत मजे का खाना था। अच्छा। बहुत सबने माशाल्लाह बहुत तारीफ की, मटन बिरयानी थी, हमें लाइव कोला कढ़ाई कराई थी, ओए होए, लाइव गुलाब जामुन कराए थे, बड़ी हमने कुछ रोगनी नान लाइव थे, नान लाइव हमने लाइव। तुम लोग खाने के शौकीन हो क्या? बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, और कुकिंग के भी हो, हाँ, दोनों मिलकर करते हो साथ? जी जी। ज्यादा अच्छी कुकिंग कौन करता है? मैं। ये तो अपनी तारीफ, देखा तुमने, मैं ऐसे तो नहीं, आप लड़की के मैके में आए हुए भाई साहब, ऐसे तो नहीं हम आपके जीतने देने वाले। इतने मजेदार हम एक सेगमेंट आपके सामने करने वाले, वो होगा ये
कि आपके और अनम के लिए, दोनों के लिए हमने एक ही जैसा सेटअप किया है, कोई खास किस्म की डिशेज तैयार होनी है और हमारी माशाल्लाह अगर मुझसे कोई बोलने में जीत सकता है तो वो एक शख्सियत है जिसका नाम है शेफ फराह। यू आर राइट। मैं उनके आगे सरेंडर कर जाती हूँ कि भाई कहाँ शेफ फराह तुम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनम और असद? आप लोग कैसे हैं? बहुत मुबारक हो आपकी शादी। थैंक यू। और निदा, अभी बड़ी तारीफें हो रही थी कि वो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं असद, तो हम कैसे मानेंगे अच्छा खाना बनाते हैं? ये तो हम इनका टेस्ट लेंगे, ये तो हमने तो इनका एग्जाम लेना है। और जैसे इंडिया में नहीं लड़कियां चूज करते हैं, चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, अब दुल्हा भाई को सिलेक्ट तो कर लिया हमने, लेकिन हम मानेंगे ये जब ये यहाँ टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो फराह क्या करेंगी? ये जिस तरह आपको पता है कि ये बोलती हैं तो माशाल्लाह ये कुदरती है कि गाड़ी चलती है तो रुकती नहीं है स्पीड ब्रेकर के बगैर, तो ये इसी तरह कुछ अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगी और आपने जो जो वो बोलती जाएगी वो करती जाएंगी। आपका मुंह बंद है, सही। आपने उनसे कुछ आप कर ही नहीं सकते सवाल, कहाँ है वो मुंह की पट्टी? पट्टी दो, पट्टी के बगैर बोलते हैं, पट्टी लाओ। आप दोनों का मुंह बंद है, आप दोनों बोल नहीं सकते, हालांकि शादी के बाद वैसे ही मियां का मुंह बंद हो जाता है, वो वैसे ही नहीं बोल सकते। ये कैसे? ये पट्टी आप मुंह पे लगा दे और आप बोल नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, जो वो कहती जाएंगी वो सुनते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। उसके बाद एंड रिजल्ट, प्लीज हेल्प मी। नहीं बिल्कुल, मैं ही हेल्प करूंगी, आपने बनाना है, मैं हेल्प बहुत अच्छी करती हूँ, आप आ जाएगा आफ्टर के बाद। मुझे एंड रिजल्ट देखेंगे किसने ज्यादा बेहतर आया है। आइए आप दोनों इस तरफ। टाइम से कुकिंग नहीं की, अरे बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ दिमाग नहीं है, दिमाग जो है वो खुला रखना है, जो वो बोल रही है उसी को फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है। डन। बेचारे ने यहीं से पट्टे मेहमान। और अनम आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत आराम आराम से बोलती हूं। डन। बहुत जान समझा के बोलती हूं। ये वाहिद जहाद है जिसमें मुंह पे पट्टी है। ये देखिए इसलिए है क्योंकि आप एक्स्ट्रीम पोर्ट ना चाहते हुए भी सवाल कर ही लेते हैं जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो ये पट्टी ये है कि सवाल नहीं हो सकता, सवाल करना ममनून है। निंजा टर्टल बन गए, निंजा टर्टल बन गए। लेट्स गो। नई नवेली दुल्हन को हमने क्या बना? हाँ जी, हाँ जी, ओके जी। अच्छा मैं जरा बता दूं कि आज बनाना क्या है ताकि इनकी समझ में आ जाए कि आज बनाना बहुत अच्छा। एक मिनट फराह, गाड़ी चलाने से पहले मैं चाहती हूँ जरा इनको बता दूं, ये आपकी आपका सामान है, आपकी छुरी वुरी सब इधर है। ये बाद में नहीं कहिएगा कि बेईमानी हो रही है, तुम लोगों ने अपने महके वाली जो है उसको ज्यादा सामान दे दिया। ये सारी चीजें आपके पास है। अब फरा की ट्रेन चलना शुरू हो रही है और ओवर टू फरा। जी फरा। आज आपने बनाना है बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी इंशाल्लाह से। तो आइसक्रीम सोडा कस्टर्ड सैलेड आपने बनाना है, ठीक है? ये बड़ा आसान सा सैलेड है जो सारी चीजें आपके पास पहले से मौजूद है। खास बात यह है कि उसका फ्लेवर आना चाहिए आइसक्रीम सोडा का। खाना तो असद भाई बहुत अच्छे बनाते हैं, अनम भी बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट में हम जब टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर वो जायका आना चाहिए आइसक्रीम सोडा का एक्चुअली। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, बहुत ही आसान है, आपके पास मैक्रोनी रखी हुई है बॉईल की हुई, आपने जल्दी से इसके अंदर बॉईल में डालना है और साथ ही आलू को भी चॉप करना है क्योंकि आलू बॉईल है और आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी, बहुत आसान काम है आलू चॉप कर लें। और मुझे लगता है आपने आलू को चॉप कर लिया होगा क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, तो आप साथ साथ खीरा और सलाद पत्ता भी चॉप कर ले फटाफट से। और अगर ये काम कर लिया हो तो आप देखें काली मिर्च अगर पिसी भी नहीं तो उसको पीस ले, वैसे हमने पाउडर बना के पहले से रख दिया है। कहाँ तक काम स्टार्ट हुआ मुझे कोई पता नहीं लग रहा। और उसके साथ साथ बनाना भी रखा हुआ है, एक अदर एप्पल भी रखा हुआ है और पाइन एप्पल भी रखे हुए हैं। तो जो मैं पहले काम बता चुकी थी वो आपने स्टार्ट कर लिया होगा, एंड कर लिया होगा, तो जल्दी से फ्रूट्स की भी आप कटिंग कर लें फटाफट से और एक बॉल में उसके अंदर आप शामिल करते जाएं, इसको मिक्स करते जाएं। और साथ में रखा हुआ है आपका कस्टर्ड जो पहले से बना लिया है। मुझे पता है कि काम बहुत आसान था, इसमें हमने बहुत आसानी कर दी और मैं बहुत आराम आराम से बताती हूँ जैसे कि मेरी आदत है। तो आपने इन सारी चीजों की अच्छी तरह से फाइन चॉप करके जैसे कि सैलेड बनता है सैलेड की तरह आपने एक बॉल के अंदर रख देना है, बॉल के अंदर रखना है, आपने मिक्स करना है। इसमें मैंने व्हाइट जीरा पाउडर भी रखा हुआ है, आप उसको पाउडर के तौर पे रखा हुआ है, आप उसको यूज करें इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही स्लो है, बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आपने फाइन इसकी चॉप करनी है, कटिंग करनी है और इसको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और गार्निश के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं और इसमें पाइनएप्पल मैंने रखे हुए हैं, इसको भी बारीक बारीक आपने चॉप करना है। साथ में आपको ग्रीन कलर का हमने आइसक्रीम सोडा भी दिया हुआ होगा,
क्योंकि उसको मिक्स करना है, साथ में कोको पाउडर भी रखा हुआ है और चॉकलेट सिरप भी रखा हुआ है. कोको पाउडर और चॉकलेट सिरप के चक्कर में आप आइसक्रीम सोडा का जो टेस्ट है उसको प्लीज ना खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आइसक्रीम सोडा चाहिए. और चॉकलेट इसलिए रखी हुई है कि चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट चॉकलेट आ जाए और आइसक्रीम सोडा गायब हो जाए तो फिर आपकी कुकिंग जो है वो फेल हो जाएगी. अंगूर रखे गए हैं मैंने यहाँ पे, जेली भी रखी हुई है, लेकिन अंगूर जेली बादाम पिस्ते को आपने गार्निश करना है. जारी पत्ती इसके अंदर नहीं ऐड करना, इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो आपको पता है कि जायका जो है वो खराब हो जाता है. तो आपने ये काम बहुत फास्ट करना है. और ये पता नहीं कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा, मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा है. मुझे लगता है इतनी देर में ये डिश जो है वो तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं तैयार हुई है नहीं हुई. कहाँ तक हुआ है ना, जरा सर हिला के तो बता दे कहाँ तक काम हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ. क्या बनने वाला है क्यों? और ये आपके पास बॉयल व्हाइट कलर के चने, देखे मैंने कितनी सहूलत की है, मैं कितनी अच्छी शेफ हूँ. सारी तैयारी मैंने पहले से करके रखी हुई है, सिर्फ इनको मिक्स करना है और चॉपिंग कटिंग करनी है, और कोई भी काम ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा नहीं दिया. और मैं इतने आराम आराम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बावजूद ये लोग काम नहीं कर रहे. तो प्लीज आप जल्दी जल्दी करें ये काम. अब इससे ज्यादा आसानी तो हो ही नहीं सकती है कि मैं इतना आराम आराम से बता रही हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. इतना तो किसी शो पे भी रिपीट नहीं किया जाता, तो मैं बार बार रिपीट करे जा रही हूँ. दोबारा से मैं बता देती हूँ, मेरी रेसिपी तो दो दफा खत्म हो चुकी है, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ बहुत स्लो जा रहे हैं. मुझे लगता है कुकिंग भी आराम आराम से करते होंगे, सुबह शुरू होते होंगे तो रात को इनकी कुकिंग होती होगी, आई थिंक ऐसा ही होता है. फ्रूट की आपने चॉपिंग करनी है. अरे क्यों बता रही है भाई, ये हमारा रूल नहीं है. दोबारा बता रही है, वो आपकी वो अभी उस पे ही चल रहे हैं, अभी ही जो फ्लैशबैक है ना उस पे चल रहे हैं. ओहो अभी तो आप दोबारा बताएंगी तो फिर ये तो फल्ला ये कब आएंगे फिर. मेरी तो रेसिपी दो दफा कंप्लीट हो चुकी है, मैं तीसरी दफा बताऊं. शुरू होने वाला है, बस अब शुरू कर रहे हैं. बस अब आपने गार्निश की तरफ आ जाए. सारी चीजें आपने मिक्स करके दोबारा से सारी चीजें आपने एक डिश में डिश आउट करना है. उसके बाद आप गार्निश की तरफ मैं आ जाती हूँ. आपने पाइनएप्पल के पीसेस रखने हैं, उसके बाद आपने जेली से इसको गार्निश करना है. आइसक्रीम सोडा जेली आपके पास पहले से तैयार की हुई है, वो आपने इस पे रखना है. बादाम पिस्ता से आपने इसको गार्निश करना है. इसके अंदर आपने अंगूर डालने हैं, रेड एंड ग्रीन कलर में जेली, वो आपने इसमें गार्निश करनी है. बहुत अच्छा सा डिश आउट करें. लेकिन खास बात का आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आइसक्रीम सोडा का जो जायका है वो आना चाहिए. वो बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत जरूरी है आपके पास. शहद भी रखा गया जो कि लास्ट में आपको गार्निश में इसको इस्तेमाल करना है. और आइसक्रीम सोडा को लास्ट में भी आपको गार्निश करना है ताकि जायका जो है उसका बहुत अच्छा होके सामने आए. अभी आ जाए सफर. बस क्या हुआ, हो चुका. आपने जो अपने शागिर्दों को सिखाया है, अब ये क्या हुआ, क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये केले अंगूर सब्जियों का ये क्या घोटाला बनाया है. मैं अपनी डिश बना के खाया. मेरी डिश जरा बता दें, उसको कैमरा फोकस कर दिया जो मैंने बनाई. अच्छा, है और आप ये आपकी ले आती हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली बननी क्या थी, बननी क्या थी और बन क्या गई है. कितना आसान मैंने बताया था यार, आप लोगों को कर लेना चाहिए. इतना आराम आराम से बोल भी रही थी, आप लोगों को समझ जाना चाहिए था. जरा कैमरामैन कॉल. हाँ, ये डिश बननी थी एक्चुअली. और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि तकरीबन वैसी बनी क्या है. पहले मैं अनम की दिखा दूं जरा. नहीं, मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया. वो नहीं, नहीं अभी आप शिफ्ट नहीं कर सकते. अब जो है वो बाउल में शिफ्ट. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, टाइम हो गया आपका. और गुलाब भाई ने जो है अनम ने ज्यादा अच्छा बनाया. क्या तुमने सजा के खाने की, जाना तो पेट में ही है, चाहे कैसे ही करे, चाहे कोई बात नहीं. हाँ, ये मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. ये बच्चे जाहिर है ससुराल वाले ऊपर रहते हैं और ये नीचे, तो ये छुपके से कमरे में खा लेंगे, दिखाएंगे नहीं किसी, दिखाएंगे नहीं, करेंगे नहीं. वैसे निदा जितना आराम से मैंने बताया था ना, मुझे नहीं लगता कोई भी एक्सप्लेन कर सकता. मैं ये एग्री करती हूँ, जितना आराम से आपने बताया कोई नहीं, कोई भी नहीं बता. इतना आराम से बताया, समझ नहीं समझ ही नहीं आया, इतना आराम से बताया आपने. अच्छा अनम, जाहिर है माशा तुम बहुत अच्छी पैरोडी भी करती हो, एक्टिंग भी करती हो, तो जितने आराम से इन्होंने बताया, मैं कह रही हूं कोई नहीं बोलती है उसी अंदाज से. अगर तुम ब्रेक पे जाना चाहो इनके अंदाज में, मेरे अंदाज में, तो तुम कैसे जाओगे. हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ये हो सकता है बस. देखते रहिए, बोलेंगे मत, प्लीज देखते रहिए. बस मुझे ये कड़ाही
बिरयानी कबाब इन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा। अच्छा, और तुम्हें ज्यादा खाने में क्या चीजें पसंद है? मैं भी ये चीजें मतलब होटलिंग पे जाते हो तो किस तरह के कुजींस तुम लोग सेलेक्ट करते हो? ये डिपेंड करता है आपके मूड पे या हमारी क्या क्रेविंग हो रही है, तो हम उस हिसाब से वहाँ जाते हैं। कॉमन शौक क्या है दोनों के? फॉर एग्जाम्पल घूमना फिरना फिल्में देखना वगैरह। फर्स्ट ऑफ तो यहाँ मोस्टली आपको पता है ज्यादा घूमने फिरने की ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। और दूसरे ये कि अगर घूम भी सकते हैं तो उसमें फिर हमें प्राइवेसी के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो सुकून वाली जगह ज्यादा प्रेफर करते हैं, समंदर के किनारे बैठ जाते हैं या कोई ऐसे होटल चले जाते हैं जहाँ ज्यादा लोग यू नो इतना ज्यादा तंग नहीं करते, वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ये मूवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, सिनेमा जाते हैं या घर में देख रहे हैं? सिनेमा जाते हैं, सिनेमा जाते हैं बट बहुत ऑफन। जुनून की हद तक शौक क्या है दोनों? म्यूजिक दोनों का। हाँ, ये गिटार बजा लेते हैं ना, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं पियानो गिटार सीख रहा हूँ, ड्रम्स पहले मैं बजाता था। की कोशिश तो हमने कहा मिलके ये करते रहा हर वक्त जी बजे रहेंगे, बना देना बैंड ये बजाते रहो। हाँ, क्योंकि ड्रमर रह चुके हैं। तो ड्रम तो आ गया, आप गिटार की बारी, पियानिस्ट ए हो गई, तो बस हो गया बैंड। मैं पियानो बजाऊंगी। चलो, तुम लोगों के पास मैंने ना कार्ड रखे जिसमें एक तरफ तुम्हारी तस्वीर एक तरफ तुम्हारे मियाँ की, ठीक है। तो अब मैं तुमसे सवाल करूंगी तो दोनों देखते हैं तुम दोनों में से ज्यादा सही जवाब, मतलब इन द सेंस के दोनों के कॉमन जवाब होते हैं कि नहीं। ओके okay. अच्छा, पहला सवाल, घर एक दूसरे को देखना नहीं है, आप उधर देखें और आप उधर देखें। ओके okay. घर कौन ज्यादा फैलाता है, घर या कमरा या अपना पोर्शन? ये देखें दोनों के सवाल, पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत। हाँ, दूल्हा कह रहा है दुल्हन, दुल्हन कह रही है दूल्हा। मैंने अभी आते हुए अपने ट्रेडमिल से आपके कपड़े उठाए कि नहीं उठाए बताएं जरा। उठाए सुबह जल्दी में था और ट्रेडमिल पे कपड़े, मैंने कहा ये क्या है ट्रेडमिल, देखो ट्रेडमिल जब नहीं रह जाती तो यही होता। मैंने ये जरूर बोला, मैंने कहा आके मैं समेट लूंगा, अभी छोड़ो नीचे ड्रायर। लेकिन ये सफाई कर लेते कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सोते में खराटे कौन ज्यादा लेता है? ये पहली लड़की है जो मान रही है, मैं तो नहीं मानती आज तक। मेरे मियां, मैं कह रही तुम डबिंग करते हो तो मेरी वीडियो के ऊपर अगर वो वीडियो बना के दिखाते हैं खराटे तो डबिंग डबिंग की है। ये भी गुड आइडिया है वैसे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखा कर लिया, तुम कभी अपने खराटों से खुद उठी हो डर के? नहीं नहीं, और ज्यादा ले मैं डर के उठ जाता हूँ। अच्छा, खराटों की भी ना वो पैमाने होते हैं, एक होते मासूम से एक होते और एक अब मैं अंकल तो नहीं ना करके लूंगी निदा। अनन नाक बन होती तो कभी कभी हम अंकल्स भी बन जाते हैं, अब वो तो यही बता सकते हैं। ये है नॉर्मली तो वो जो एक होता है बिल्कुल प्यारे से नॉर्मल, मतलब बिल्कुल आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाँ चलो यार कोई बात नहीं। कभी कभार ही होता है कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तक गई यार। खैरियत से हो आप? ठीक हो? ये पूछना पड़ता है, ठीक हो आप? ठीक हो बिल्कुल। मैं तो बड़ी चलाकी करती हूँ, मेरा मियाँ ज्यादा खराटे था, मैं उसको चुटकी मार के फिर सो जाती हूँ, फिर उठ गया फिर उसके खराटे हल्के हो जाते, चुटकी नोच के बनेगा सुबह मुझे ज्यादा है। अच्छा ओके नेक्स्ट, कौन ज्यादा कामचोर है? कामचोर थोड़ा सुस्त, थोड़ा कामचोर। हाँ सुस्त में अगर आए तो ये है, ये है वो बोलने में लगता है वो। आप जब खीरे काट रहे थे मैं तब मैंने कहा अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, स्लो करते हैं आराम से। पता है क्या, उनका मैं आई थॉट के ये अभी बताएंगी, जब तक उन्होंने सब बता दिया मैंने कहा ये तो सब कुछ बताने लगे, तो उस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया उसमें, सब कुछ बताया जा रहा है। मैं हैरान, जल्दी जल्दी करें, ये इतनी स्लो क्यों कर रहे हैं? मैंने ये सोचा कि ये अभी पहले बताएंगी कि क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, वो किस तरह नहीं बनाना वो बता गई है कि बनाना है, और वो फिर मैंने सोचा चलो खीरा खा। हाँ अच्छा, कौन जिम नहीं जाने जाना चाहता? नहीं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ शो पे। हाँ मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा, मैं ट्रेडमिल करूंगी घर पे। अच्छा, मैंने अम्मी से कहा ऊपर जाकर छत पर गाने लगाएंगे फुल डिस्को दीवा, मैंने कहा शुरू हो जाएंगे दो तीन गानों पे। ये सास और बहू का पहला रिलेशन देखा है कि गाने लगा के छत पे डिस्को दीवा। अभी तो
अभी तो ये होता है कि आई वॉज थिंकिंग कि ये मुझे बोलेंगी चलो मार्केट चलो हाँ। ये वो इधर उधर हाँ। तो अब ये मेरी सिस्टर्स और अम्मी सब लोग साथ मतलब बहुत सुकून आ गया। ये होता है पार्टी बना रहे होते तुम लोग, ये कहते हैं पहले तो ये होता था मैं इनका वेट कर रही हूँ आ जाए आ जाते थे थका हुआ हूँ यार अब मुझे टेंशन नहीं होती अब चल रहे हैं अपने नहीं ओके फाइन जब एरिया चले चलो निकल जाते हैं हम खाना भी हम खा के आएंगे आप यहीं से कुछ भी खा लेना हम पार्टी करें पिक्चर भी भेजते हैं सेल्फी तस्वीरें तो जलन नहीं हो रही अपनी माँ बहनों से नहीं नहीं ऐसे नहीं हो रही खुशी हो रही है सब घुल मिल गए आसानी हो गई ना भाई इनको हाँ ये आसानी नहीं दूसरा ये कि खुश हैं सब ये अच्छा हाँ माशाल्लाह 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 अच्छा कौन हर वक्त खाता रहता है ना बस चिप्स खा रहे हैं चॉकलेट खा रहे हैं मूंगफली खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं फलाना डमाका कौन हर वक्त खाता रहता है ये खाता है नहीं खाती मैं कोशिश करती हूँ चुपते रहते हर वक्त कुछ ना कुछ आपकी सेहत से तो नहीं लगता कि बहुत खाओ पी रहे आप नहीं इसकी चीजें भी आप खा जाते हाँ इसकी भी खा जाता हूँ तो ये अपने लिए लाती हैं खा मैं जाता हूँ यानी कि तुम चिप्स के पैकेट में हाथ डालती होगी तो वो खाली पता है क्या मैं कुछ रखती भी हूँ ना मैं शूट पे ले जाऊंगी क्रेविंग होती है या कभी हम लोग ज्यादा सीन्स करते हैं तो आपको पता है कभी वो लंच ब्रेक लेट हो जाता है वो जब मैं देखती हूँ तो वो खुली होती है और खत्म भी होती है मैं देखती यार मैंने ये तो रखी थी सब खत्म किसको हर वक्त गुस्सा आता है नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता किसको हर वक्त गुस्से में रहता है अच्छा ये क्या चक्कर है मैं भी ऐसी हूँ वैसे हम दोनों ही से लगते हैं मुझे तो गुस्से वाले भी नहीं लगते शक्ल से वो जो गुस्से वाले उनकी तो मुझे ही होती है ताओ वाली ये क्या होता है इनको पसीना आता है चिड़चिड़े हो जाते हैं गुस्से हो जाते हैं ये वाली कि पसीना आ रहा है घबराहट हो जाती है कि पसीना आ रहा है यार मुझे उलझन हो रही है रश देख लेंगे घबरा जाएंगे रश देख के कहते हैं घबराहट हो रही है जल्दी चलेंगे ये वाला अच्छा शोर रश शोर में घबरा जाते हैं इनको तो तुम एक्टिंग करवा ही नहीं सकती पंखे बंद करा के एसी बंद करा के बहन कितने पसीने बाहर पड़ते हैं सेट पे तबाही कर दूंगा मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी कराओ जल्दी एक ड्रामे में अनम और असद एक साथ आएंगे तो असद तो भाग जाएंगे या तो प्रोड्यूसर का दिवालिया निकाल देंगे नहीं ऐसे नहीं काम तो काम होता है अब ऑफिस में भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है बंदा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करता ही है जहाँ काम होता है घर में बंदा अपना पर्सनली लाइफ एक खुद से जी कम्फर्ट जोन होता है ये तो खैर है अच्छा कौन लेट तैयार होता है इसका जवाब तो खैर मुझे भी पता है अरे तो हक है इसलिए मैं इनको एक टाइम स्पेस देता हूँ पूरा जैसे 9 बजे जाना है मैं 6 बजे इनको बोल दूंगा कि मुझे अगर आपको 9 बजे जाना है तो आप कहते हैं 6 बजे तैयार हो जाना 6 बजे तैयार ये करते हैं लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं शादी से पहले शादी से पहले मुझे लेने आते थे तो कहते थे कि बस आप ना रेडी हो जाए मैं आ रहा हूँ हाँ तो ये ना काफी ब्रेक काफी टाइम आराम से दोस्तों में पार्टी करके ये करके बातें करके चेंज करके नहा के आते थे मैं तब भी चेंज करती मैं कहती थी मैं आपसे पूछ के पहनती ना मैं क्या पहनू अच्छा, ये मुझे फोन पे बोली मैं रेडी हो गई आप आ जाए झूठ बोल देती थी मैं घर गया वैसे के वैसे बैठी हुई आप तो बोल रही थी रेडी हो गई आप आएंगे तो रेडी होंगी ना मैं कपड़े आपसे पूछ के पहनूंगी ना मैं भी तो फिर आपकी बीवी ऐसे थोड़ी तैयार हो जाऊंगी अच्छा कौन ज्यादा शक्की है शक्की मिजाज नहीं नहीं शक, नहीं। शक तो इजाजत ही नहीं है हमारे नो शक शक करना मना है डरने का अच्छा टाइटल बन सकता है बिल्कुल फ्रेंड्स माशाल्लाह जो भी है नो शक नहीं होना चाहिए मोबाइल मोबाइल का दूसरा ऐसे कोई चीज पासवर्ड पता है हम दोनों को एक दूसरे का पासवर्ड पता है लेकिन मैंने कभी इनके मैसेजेस नहीं खोल के देखे कभी मेरे मैसेज नहीं खोल सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि भाई इनके कोलीग्स हैं सारी यही होता है कि यासिर ने पासवर्ड लगाया क्यों है मैं बड़ी कोशिश करती हूँ अलग अलग पासवर्ड चेक करने की आज तक खोल नहीं पाई आधा शक तो इसी में मर गई ना लगाओ पासवर्ड तो फिर इजी हो जाता है शक करके इंसान खुद मैस अराउंड करता है टेंशन में आ जाता है टेंशन में आप ही आते हैं कहां गया होगा फोन क्यों नहीं उठा रहा क्या हो गई मैं पासवर्ड क्यों लगाया बच्चों को पता है मुझे क्यों नहीं पता तो बच्चों से पूछे ना फिर बच्चे बहुत पक्के हैं बताते नहीं है आइसक्रीम पे ले जाओ खिला विला के तो फिर वो पहले ही खा के बैठे होते हैं अब्बा से लेकर अच्छा कौन ज्यादा पैम्पर होना चाहता है हर वक्त ना कि मुझे भाई नखरे उठाओ मेरे अच्छा उठाने वाले हैं ये नखरे के नहीं हाँ उठा लेते हैं हाँ? नहीं होते तो फिर मैं कुछ उठवा भी लेती हूँ अच्छा। तो आप मैं नहीं बात कर रही आप पहले उठाए मैंने हाँ ये बात अच्छा, नहीं क्या इनके नखरे क्या होते हैं सर नॉट लिटिल छोटे बस यही के यहाँ चले
वहाँ चले टाइम दे, टाइम दे दें। जैसे कल मैं हम लोग एक वेडिंग से आए थे तो मैंने इनको ड्रॉप ऑफ किया घर पे, मेरे फ्रेंड्स हैं ऑफिस कोलीग है, एक मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत उससे ज्यादा क्लोज हूँ मैं, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लोज है। तो वो आए हुए थे, वो काफी देर से वेट भी कर रहे थे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। अब इनको ड्रॉप किया, ऊपर छोड़ के आया, मैंने कहा चलो ऊपर तक मैं छोड़ के जाऊंगा, बोल के आऊंगा कि हाँ भाई चलो मैं जा रहा हूँ। इनको पता, उन्होंने भी इससे इजाजत ली, भाभी बस थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें इनको, इन्होंने बोला इजाजत इजाजत। अब ये घर गई है, उसके बाद 15 मिनट बाद कॉल आ गई, बात सुने आप कब तक आएंगे। उसके बाद फिर ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात, मैंने कहा चलो सही है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अच्छा आप जल्दी आ जाएं, सही है ठीक है। फोन रखा, 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आ गया, क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर घबराहट, मैंने कहा अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। उसमें मेरा दोस्त तारिक एक ना, वो जो बहुत ज्यादा बचपन का दोस्त भाई है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा ना, तो वो परेशान, मैंने कहा यार वो तबीयत खराब हो गई, उठे भागा मैं घर गया, मैंने कहा तो ठीक थी। तो छोटा मेरा साला, सबसे जो छोटा है ना, वो आया हुआ रहने के लिए, अच्छा तो वो खड़ा हुआ, अबिया बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोला करो, वो इमरजेंसी में भागते हुए आ रहे हैं और मैं हाँ पर आता लिटरली, अरे बाप रे, फिर मैं क्या बोला, हाँ मैंने कहा रियलिटी में तो छोड़ के गया था मैं, मैंने कहा मैं भी दोस्तों में देखती हूँ कितनी देर रहते हैं, अब और रहे हैं आप, हाँ मैंने कहा ओरिजिनली यू नो इफ लिखाना नहीं बना, शिकायती टट्टू कौन है, उठाओ ना तुम भी, अच्छा क्या शिकायतें, जैसे टाइम नहीं देते, कॉल नहीं की, खाने पे भी नहीं लेके गए, यहाँ का प्रॉमिस किया था वहाँ का प्रॉमिस किया था। और इनकी शिकायतें क्या है यार, ये भी इनकी बहुत छोटी छोटी यही होती हैं, तुम क्यों जा रही हो इधर, तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो, तुम उनसे इतनी बातें क्यों कर रही हो, इधर आ जाओ बैठ जाओ, मुझे क्यों नहीं पूछा, इससे खाना नहीं, हाँ ये वाली, अभी तो शादी हुई हमारी, ऐसे हो जाते हैं। अभी बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में और दिल में बाकी हैं, अगर आपके दिमाग में भी कोई है सवाल जो आप असद और अनम से पूछना चाहते हैं, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए और मुझे SMS करके बताइए, हाँ SMS करके बताइए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के पेज पे कि आप इन दोनों से क्या पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद मजेदार बातें हुई जा रही है, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़े दिनों बाद मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वो नई नई फीलिंग होती है ना जो शादी के बाद, तो जब मेहमान ऐसे आते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पुराने वक्त में चली जाती हूँ। एग्जैक्टली है ना, हालांकि बहुत पुरानी हो गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब मेरे साथ कोई नई फीलिंग तो वही फील वही वाली चीजें गुजरती है, रीकैप आ जाती है। मैं भी आने की शादी में जा रही थी तो मैंने देखा जब वो फायरवर्क्स हो रहे थे, मुझे एकदम एकदम अपना याद आ गया, मैंने कहा सबका यही होता है इस तरह। पता है जैसे तुम लोगों को जो भी कपल्स देख रहे होंगे या जो भी खवातीन, वो सब अपने वक्तों में चली गई कि ये होता है ये वक्त हर किसी पर आता है। फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचते हो, फैमिली कितनी होनी चाहिए, बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, या फिर क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या बनाना है, होता है ना किसी को होता है कि मैंने फलानी जगह बुढ़ापे में मैंने पहाड़ में पे घर बनाना है, जो प्लानिंग करते हैं प्लान्स तो होते हैं, हमने किए हैं, हमारा है कि मैंने इनको बोला था कि दो बच्चे इंशाल्लाह, दो बच्चे ही अच्छे खुशहाल कराना, क्योंकि ये यहाँ पर आए हैं, यहाँ होते नहीं थे, ये बर्मिंगम में इंग्लैंड में होते थे, अच्छा तो हमारा इरादा यही है। मेरी कुछ कजिन्स भी गए हैं अपने बच्चों के, तो इनके फ्रेंड्स गए हैं, अच्छा कैलिफोर्निया उधर होते हैं वो, हाँ तो हमारा भी प्लान है कि जब बेबी का टाइम होगा तो हम लोग कनाडा या कहीं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा तो किस तरह बेसिकली तरबियत बहुत अहमियत रखती है, घर पे तो दे देता है बंदा, लेकिन बाहर कैसा है कैसा नहीं है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपने कहा, आपने सोचा एजुकेशन के लिए आप बाहर ही इतने अरसे बाहर जी, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो सेटल डाउन हैं, अच्छा उसके अलावा मेरा भी ये प्लान है कि मैं बाहर, अच्छा आप तो बाहर रहे हैं जी, तो आपको तो पता है कि क्या लाइफ है। अनम तुम तो नहीं रही बाहर, मैं नहीं रही बल्कि मैं ट्रैवल भी करती हूँ ना, तो मैं उसके बाद कुछ ही टाइम बाद में बिल्कुल, तो अनम तुम क्या, मैं बहुत डरती हूँ लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए मैं कर लूँ, उनके फ्यूचर के लिए मैं कर लूंगी, इतना तो माँ बाप का, एवरी डे इज नॉट संडे,
तो बात ये है जब ये वहाँ जाएंगी तो शुरू में इनिशियली मुझे अच्छा मुझे ये नहीं पता कि हमारे दामाद जी करते क्या हैं सही लड़के की तनख्वाह क्या है क्या करते हैं बन गई ना तनख्वाह नहीं पता नहीं तनख्वाह मत बताना मैं मस्ती कर रही हूँ लेकिन आप काम क्या करते हैं मैं बेसिकली यहाँ पे दुबई बेस्ड कंपनी है यहाँ पे तो उसमें मैं एज इन यू कैन से टीम लीड करता हूँ अच्छा माशाल्लाह और आपने आपकी एजुकेशन क्या है देखो ऐसे कह रही हूँ जैसे अभी लड़की का रिश्ता रिश्ता है ना जी अब तो मुक गई अब तो हो गई शादी जी तो उनका ये पीके साइड का सारा टीम लीड दो हैं हम लोग अच्छा तो पूरा पीके साइड का आपने पढ़ा क्या है मैंने एमबीए बर्मिंघम से किया अच्छा ओ ओके फॉरेनर है फॉरेनर यस जब ये आए थे जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था मुझे याद नहीं तुम लोग मिले कैसे थे वो क्या कहानी थी मैंने भूल गई दो साल पहले की बात है मैंने बताया था हम लोग फ्रेंड थे हाँ कैसे फेसबुक पर मेरा एक फ्रेंड था वो सिंगर था यंग सा लड़का था मतलब अच्छा भाइयों की तरह तो उनके थ्रू हमारी बात हुई थी कि वो इनको इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था तो मैं भी रिश्ता उसने लगाया था एक्चुअली बस समझ लें कि कुछ रिश्ता ऐसे कुछ नहीं लगा दोस्ती करवाई थी मिलाया बस वो इंटरेक्शन हो गया था उसके बाद फिर ये इनसे मेरी बात हो गई थी तो ऐसे कोई प्लान नहीं था प्री प्लान के यार यही है सब कुछ हाँ, हाँ. मुझे प्यार हो गया ऐसा कुछ नहीं था वो दिल में गिटार नहीं बजी थी नहीं ऐसा कुछ नहीं था सिक्स टू टिल एट मंथ्स ना हम लोग मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में थे हाँ. तो फिर वी फेल्ट के समथिंग इज गोइंग बी क्या बात क्लिक की थी आपको जो आपको लगा कि बीवी इसको बनाना है मैंने और तुम भी मुझे बताना कि तुम्हें असद की क्या बात क्लिक की थी इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि शी वाज प्योर अच्छा जो अंदर है वो बाहर वही बाहर मतलब सबसे अच्छी चीज तो यही होती है इंसान में अच्छा हो करो क्या आपको डर तो उससे लगता है कि वो जो एक्टिंग कर रहा है और पीछे वो बैक स्टैबिंग कर रहा है उससे डर लगता है अच्छा तो वो ज्यादा अच्छा बंदा लगता है जो बिल्कुल मिरर हो बिल्कुल और तुम्हें क्या लगी तो वो अच्छा लगा मुझे इनका अच्छा लगा कि ये जैसा मैं चाहती थी ना ये वैसे ही है मुझे क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत हम्बल हो किसी के लिए केयरिंग होना चाहिए लड़के को होना चाहिए केयरिंग अगर आप किसी कोई लड़की की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में सोचिए उसके अलावा दूसरे के लिए भी सोचते हैं ये मतलब मेरे जो कुछ कजन्स हैं या कोई और मुझे लगता है कि जरूरतमंद लोग हैं उनके बल्कि वो भी निदा जो मैं कहती हूँ उन्होंने मेरा दिल दुखाया लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो जरूरतमंद है इस वक्त तो कहते हैं कि चुप के किसी के भी थ्रू हेल्प कर दो तो ये मुझे इनकी बात बहुत ये बात अच्छी लगी कि लाइक इज केयरिंग कि कर दो आप अच्छे रहो अच्छा कोई प्यार मतलब आप जिसको चूज करें उसको उसका खुद का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ये वाली टिप्स अच्छा गुस्से का इजहार दोनों कैसे करते हो मैं अब तो ये करता हूँ कि एज आई यू नो डिसाइडेड ऑन दिस डिसाइड किया हमने तो कि अगर मुझे गुस्सा आएगा आई विल लीव द होम आई विल गो आउट वंस आई विल गेट बैक दरवाजा जोर से बंद करने की इजाजत है दौड़ निकल गए बाहर एक बार हुआ था उस पे ये इन्होंने कहा कि आपको देखो कोई अंदाजा होना चाहिए कि ऊपर अम्मी ऊपर अम्मी अब्बू है ना उनको एक बार नहीं किया था तो मैंने बोला था उसके बाद फिर मैंने कहा आप आराम से चले जाएं बाहर क्योंकि हमारा ये प्लान है आई गो आउट देन आई कम बैक विद द यू नो स्वीट काइंड ऑफ थिंग अच्छा कोई चीज ले आता हूं इनके लिए फिर मतलब बाहर जाके गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है वो वाली गुस्से की जो अगर आपको स्पेस मिल जाता है ना वो मैं कहती हूं उससे आप खुद ब खुद रिलैक्स हो जाते हैं जबान से बुरी बुरी चीजें नहीं निकलती सामने आप लोग जितना होते हैं ना उतना आप डर लगता है ना आर्गुमेंट बहुत नेगेटिविटी होती है जो होती है वो बढ़ जाती है आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए वो रादर आर्गुमेंट ये बहस आप चले जाओ तुम क्या करने वाली हो गुस्सा आए तो क्या करो ये करते हैं ना जब गुस्सा आता है ना मैं लड़का तो बाहर निकल पहले मेरा यही था पहले मैंने इनसे कहा था कि अब जब मैं आपके घर आ गई हूँ क्योंकि वहां तो देखो फोन रख दिया गुस्सा आया फोन रख दिया बाद में बात करते हैं यहाँ मैंने कहा मैं आपके घर पर हूँ तो मैंने कहा मुझे गुस्सा आएगा तो मैं ना कहीं होटल में स्टे कर लूंगी कुछ कर लूंगी ये मैंने बोला था इनसे अच्छा ये इनके कंफ्यूजन में पूरा बना लिया था मैंने प्लान ना तो बिल्कुल ही एक रूम लेके मैके नहीं जाऊंगी क्योंकि मैके वालों को पता ना चले वो भी डिस्टर्ब टेंशन में आ जाते ना मैं तो अपनी सास के पास जाके दुखड़े रो देती हूँ ये भी सही है एक्सट्रीमिस्ट मतलब थिंकिंग आ गई है मैंने कहा ये कंफ्यूजन तो बड़ा एक्सट्रीम है तो फिर मैंने कहा यार मैंने कहा था कि मुझे निकाल दीजिएगा मेरे ही घर से आप आराम से मैंने कहा आप मुझे बोल देना चलो निकलो मुझे नाइट सूट पहने में सो रहा हूँ चला भी जाऊंगा
वो आई एम कंफर्टेबल विद दैट. हाँ अरे बाप रे, ये तो अच्छी प्लानिंग है. ये प्लानिंग साथ चल रही है. इतनी सारी बातें हमें और करनी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े अरसे बाद फिर हम इनको बुला लेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है. लेकिन बहुत सारी दुआओं के साथ तुम्हें, तुम दोनों को रुखसत करेंगे. अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे, नजरबद से बचाए. एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जिस तरह नजर अभी आती है, या जब तुम लोग निकाह के बाद आए थे तब, मुझे तुम उस वक्त के कपल में और इस वक्त के कपल में कोई फर्क नजर नहीं आया, बल्कि और ज्यादा माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो गई है. अनम और मैच्योर हो गई है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बीवी साबित होगी आपके लिए, आपके लिए अच्छे हस्बैंड साबित होंगे. सच्ची बात है कि शादी लड़का लड़की की नहीं होती, दो खानदानों की होती है. तो ये लड़कियां ना सोचें भाई शादी हो जाएगी तो मैं तो जीत लूंगी लड़के को, जैसे अनम चल रही है सबके साथ घर. और कंबाइंड फैमिली सिस्टम एक नेमत है हमारे मुल्क में, ये मुझे अब अंदाजा हुआ है. मैं जब मैं साथ रहती हूँ, कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच निदा, आपके पास इसलिए हम आ रहे हैं बार बार इसी शो पर. थैंक यू ARY और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपना सा लगता है. अब हम इसी तरह देखें बात कर रहे हैं, सीरियसली बहुत मजा आता है निदा. आप हाँ बोलने का मौका देती हैं, आप अच्छे अच्छे सवाल करती हैं, सब अच्छी बात है. नहीं लेकिन आप फिर भी सीरियसली थैंक यू सो मच. खुश रहें, आबाद रहें, और जो आपकी ख्वाब हैं एक दूसरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो सब पूरे करें एक साथ मिलके. आमीन सुआमीन. बहुत ढेर सारी दुआएं जितने भी बुजुर्ग देख रहे हैं इस नौ ब्याता जोड़ों के लिए. प्लीज जब भी आप सिजदे में जाएं, नमाज पढ़ें, तो इनके लिए कीजिएगा. अल्लाह ताला आपको नजरबद से बचाए. जाते जाते बस मेरे शो से जब निकलेंगे तो सबका दे दीजिएगा कहीं, क्योंकि वो ये बहुत सारी बलाओं को डाल देते सबका कह रहे हैं ना. खुश रहे. और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से भाई, के आपको कहीं फॉलो करें या जो भी. प्लीज आप इसी तरह अपना प्यार देते रहें. लोग बहुत माशाल्लाह इतना दुआएं दे रहे होते हैं या इतने कमेंट्स कर रहे होते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा होता है पढ़ के. हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, पता है, जब कोई आपको प्यार देता है या कोई आपके लिए अच्छी कमेंट करते हैं. मुझे मक्के मदीने में माशाल्लाह इतने लोग मिल रहे थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था. सर पे हाथ रख रख के दुआएं दे रही थी. मुझे मदीने से ज्वेलरी आई है, एक हैंडमेड. कैसे मैंने आपको देखा है, मैं आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता आप आई हैं, मैं आपको भेजना चाहती हूँ. अल्लाह, उसने मुझे वो ज्वेलरी भेजी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. वाओ वाओ, सबके लिए थैंक यू सो मच. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आज तो फ्राइडे है, यानी कि कल मैं देर तक सो सकती हूँ. हाँ आके बलाज उठा देगा सुबह सुबह. तो जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ करोगे, थोड़ी सी मेरे लिए भी कर लीजिएगा. जरूर जरूर. और टीम के लिए भी कर लीजिएगा यार. हाँ. भी कर लीजिएगा. और किसी का नाम है तो बता दो. खुदा हाफिज़.